नमो नमः एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेबीतरा के ऑनलाइन शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम मैं कुमुदनी अहिर संस्कृत शिक्षिका आज हम कक्षा आठवीं विषय संस्कृत व्याकरण के शीर्षक अवयव पदानि के विषय में चर्चा करेंगे। अवयव पद क्या होते हैं? आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा अवयव पद या अविकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका रूपांतर नहीं होता वाक्य में विभक्ति लिंग या वचन के आधार पर इनका रूपांतरण नहीं होता, इसे हम एक श्लोक के आधार पर समझेंगे। सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्वेय। सदृशम समान, त्रिषु तीनों, समान है तीनों, लिंगेषु सप्तमी विभक्ति तीनों लिंगों में जो समान है, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी जो समान है जिसका रूपांतरण नहीं होता जो बदलते नहीं है, वचनेषु वचनेषु च सर्वेषु सभी वचनों में भी वह समान है उसका रूपांतर नहीं होता है, यन्न वह न व्ययति जो व्यय नहीं होता जिन शब्दों का व्यय नहीं होता जिन शब्दों में विकार नहीं होता तद अव्ययम वही अव्यय पद है। यह अव्यय पद की परिभाषा है अर्थात तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में और वचनों में जिसका व्यय नहीं होता जिसमें विकार नहीं पैदा होता वह अव्यय पद है। एक इसे हम एक पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में हम जब पढ़ते हैं कोई भी पाठ तब हमें अव्यय पदों को रेखांकित कर लेना चाहिए और इससे हमें ये पता चलेगा कि अव्यय पद कौन से हैं, उनका वाक्य में प्रयोग किस तरह से हुआ है और उनका अर्थ क्या है। हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पूरा एक विशाल वृक्ष आसीत तस्य वृक्षस्य उपरि अनेके खगाः मिलित्वा वसन्ति स्म ते सर्वदा एव परस्परं सहायतार्थं तत्पराः आसन्। एकदा एकः वानरः तत्र अगच्छत् सः वृक्षम् उत्पत्य खगानां नीडानि अनश्यत् परं खगाः कष्टं विस्मृत्य पुनः नीडानि निर्माय सुखेन तत्र अवसन्। इसमें हम अव्यय पदों को रेखांकित करेंगे। पूरा एक अव्यय पद है। पुराने समय में एक विशाल वृक्ष था तस्य उसके वृक्षस्य वृक्ष के ऊपर ऊपरी एक अव्यय पद है। अनेके खगाः अनेक पक्षी मिलित्वा मिलकर वसन्ति स्म रहते थे ते वे सर्वदा सर्वदा एक अव्यय पद है वे हमेशा एव ही परस्परम आपस में सहायतार्थम सहायता के लिए तत्पराः आसन हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे। एकदा एकः वानरः एक बार एक बंदर तत्र अगच्छत वहां आया सः वृक्षम उत्पत्य वह वृक्ष के ऊपर चढ़कर खगानां पक्षियों के नीडानी घोंसलों को अनश्यत नष्ट कर दिया उसने परम खगाः कष्टं विस्मृत्य पुनः पुनः एक अव्यय पद है नीडानि निर्माय खगानां नीडानि अनश्यत उन पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करने लगा परंतु पक्षियों ने कष्ट को विस्मृत्य भुलाकर पुनः फिर से नीडानि घोंसलों का निर्माण कर सुख से तत्र वहां अवसर रहने लगे। इनमें पुरा उपरी सर्वदा एव तत्र पुनः तत्र ये सारे शब्द जो है वह अव्यय पद है जो विभक्ति लिंगों में और वचनों में इनका परिवर्तन वाक्य में नहीं होता वो ऐसे ही रहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में कंजंक्शन भी कहते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब हम अव्यय पदों के अर्थों को जानेंगे।
यह अवयव पद है सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह। कुत्र कहाँ, अद्य आज, यह कल बीता, श्व कल आने वाला, सह साथ, विना बिना, कदापि कभी भी, यावत तावत जितना उतना, यदा तदा जब तब, यत्र तत्र जहां वहां, पुनः फिर से, च और, अपि भी, वा या, तू तो, शीघ्रम शीघ्र, कुतः कहां से, शनैः धीरे, उच्चैः जोर से, नीचैः धीरे, यदि तर्हि यदि तो, अधुना अब। और अन्य अनेक अवयव पद हैं जो सामान्यतः उपयोग में आने वाले अवयव पद हैं, वे हैं सर्वत्र, हर जगह, कुत्र कहाँ, अद्य आज, या कल कल जो बीत गया है, श्व कल जो आने वाला है, सह साथ, विना बिना, कदापि कभी भी, यावत तावत जितना उतना। ये जो शब्द हैं यावत और तावत, यकार और तकार वाले शब्द हैं, अवयव पद हैं, और इन्हें एक साथ प्रयोग में लाया जाता है। यदि यावत शब्द का प्रयोग होगा तो तावत का भी वाक्य में प्रयोग होगा, यदा तदा ये भी साथ में प्रयोग में आते हैं, यत्र तत्र साथ में प्रयोग होता है, यदा तदा का अर्थ है जब तब, यत्र तत्र जहां वहां, पुनः फिर से, च और, अपि भी, वा या, तू तो, शीघ्रम का अर्थ है शीघ्र, कुतः कहां से, शनैः धीरे, उच्चैः जोर से, नीचैः धीरे, यदि तरही यदि तो, अधुना अब। अब इन अवयव पदों का यदि हमने अर्थ जान लिया तो इसका हम वाक्य प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इनमें से कुछ अवयव पदों का हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग जानेंगे। वो वाक्य प्रयोग है, पहला वाक्य है कुत्र शब्द, तुम कुत्र गमिष्यसि, कुत्र मीन्स कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कुत्र का प्रयोग। च का हम प्रयोग देखते हैं, रामः श्यामः सीता च गच्छन्ति, अर्थात राम श्याम, च मीन्स च का अर्थ है और सीता जाते हैं, वा का प्रयोग, वा यानी क्या, रामः श्यामः वा गच्छति, राम या श्याम जाता है, शीघ्रम शीघ्रम अर्थात जल्दी, शीघ्रम गच्छतु अर्थात शीघ्र चलिए, चलो
कहां से गंगा कुतः प्रवहती कुतः इन शब्दों में कुत्र कहां त्वं कुत्र गमिष्यसि त्वं कहां जा रहे हो सरल वाक्य का निर्माण हुआ है च मींस च का अर्थ है और रामः श्यामः सीता च गच्छन्ति राम श्याम और सीता और इधर आ जाएगा राम श्याम और सीता जाते हैं वा माने होता है या राम श्याम वा गच्छति राम या श्याम जाता है दोनों में से कोई शीघ्रम शीघ्रम गच्छतु लोट लकार है शीघ्र चलो कुतः कहां से गंगा कुतः प्रवहति गंगा कहां से प्रवाहित हो रही है अधुना अधुना वर्तमान समय को अधुना कहा जाता है अभी अधुना अहम पठामि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो इन सारे शब्दों को हम सरल वाक्यों में इन सारे अवयव पदों का हम प्रयोग कर सकते हैं और भी अन्य शब्द हैं अपि एव मैं भी जाता हूँ उच्चै सिंहः उच्चैः क्रोशति उच्चैः सिंहः सिंह यानी शेर उच्चैः जोर से क्रोशति क्रोशति अर्थात गर्जना कर रहा है यहाँ पे हम गर्जना भी लिख सकते हैं गर्जति भी लिख सकते हैं अब पूरा राजा दशरथ दशरथ पहले दशरथ नाम के एक राजा थे अब ये शब्द इनको वाक्यों में प्रयोग एक एक शब्द है और इनका वाक्य में प्रयोग है जो सरल वाक्यों में हमने प्रयोग किया है अब वे शब्द जो आपस में एक साथ उपयोग में आते हैं यावत तावत यदा तदा यत्र तत् यदि तदि ये शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता है जैसे नद्दाम यावत जलम अस्ति तावत् सरोवरे नास्ति यत्र धूमः तत्र वह्निः
इन वाक्यों में यावत के साथ तावत का भी प्रयोग हुआ है। हम यावत और तावत दोनों को एक साथ वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे, अन्यथा ये वाक्य अधूरे रह जाएंगे। इसलिए इसमें इसका अर्थ है नदाम नदी में यावत जलमस्ति, जितना जल है तावत उतना सरोवर में नहीं है। यत्र जहां धूम जहां धुआं है तत्र वही वही आग है। यत्र दीपक जहां दीपक है तत्र प्रकाश वहां प्रकाश है। यदा रामः क्रीडति जब राम खेलता है तदा अहम न क्रीडामि तब मैं नहीं खेलता हूँ। अर्थात यावत तावत यत्र तत्र यदा तदा आदि शब्दों को किसी भी वाक्य में हम जब प्रयोग करते हैं तो दोनों का प्रयोग जरूरी है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास में दिया हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें सबसे पहला वाक्य है सत्यं डैश जयते सह यथा चिंतयति डैश आचरति विद्यालयस्य डैश एकं उद्यानम् अस्ति ग्रामं परितः डैश अस्ति। ग्रामं डैश अस्ति विद्या डैश जीवनं वृथा डैश भगवन्तं भजे। अब हमें अव्ययपद विकल्प के रूप में दिया हुआ है, हम इसको कैसे इसमें सही वाक्य इसमें रिक्त स्थानों में भरेंगे। सत्यम सत्य की जयते जय हो विजय होता है तो सत्य की ही अथवा एव लगेगा। सत्यम एव जय यह सह यथा यथा और तथा शब्दों का यदा तदा यावत तावत यथा तथा यदि तरी का एक साथ प्रयोग होता है वाक्य में। सह यथा चिंतयति अर्थात यहाँ यथा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा तथा तथा आचरति वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण में लाता है। विद्यालयस्य विद्यालय के डैश एकम उद्यानम अस्ति विद्यालयस्य पुरतः अर्थात सामने विद्यालय के सामने पुरतः सामने और परितः चारों विद्यालय के सामने एक उद्यान है। ग्रामं परितः यानी चारों गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या जीवनम वृथा विद्या जीवन व्यर्थ है तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अब लास्ट में आखिरी में हमारा शब्द बच गया सदा सदा भगवंतं भज हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम किसी भी विकल्प दिए हुए होंगे हम पहले वाक्यों का अर्थ समझेंगे और उस अनुसार हम इन अव्यय पदों को समझते हुए इसमें उचित अव्यय पदों का खाली स्थान में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने पढ़ा अव्यय पदों को। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं वे शब्द जो तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और वचनों में जो व्यय नहीं होता जिनमें विकार नहीं होता वह अव्यय पद है। अव्यय पद जो प्रयोग में आते हैं संस्कृत शब्दों में वो हैं सर्वत्र उत्र अद्य य श्व सह विना कदापि यावत् तावत् यदा तदा यत्र तत्र पुनः च अपि वा तु शीघ्रं कुतः शनैः उच्चैः नीचैः यदि तर्हि अधुना। इसके अतिरिक्त तो और भी अनेक शब्द हैं
जैसे मंदम, मंदम, धिक, उच्चय, नीचय, शीघ्रम आदि शब्द जो है अवयव पर श्व परहय परहय परश्व ये सारे अन्य अनेक शब्द हैं जो अवयव पदों की श्रेणी में आते हैं। मंदम यानी धीरे धीरे, धिक धिक्कार है, परहय परसो, परश्व भी परसो है, ये बीता हुआ परसो है, ये आने वाला परसो होगा। तो इस प्रकार ये अन्य अनेक शब्द हैं जो सामान्यतः किसी भी पाठ में अवयव पद के रूप में आते हैं, और इस आधार पर आपने इनका प्रयोग देखा वाक्यों में और रिक्त स्थान पूर्यत जो आपको आपके पाठ में या आपकी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको विकल्प दिए हुए रहते हैं और आपको इन विकल्पों को इन उचित स्थान पर भरने का प्रयोग आपको सिखाया जाता है। इस आधार पर आपने कक्षा आठवीं में अवयव पदों का अध्ययन किया, यह सातवीं कक्षा के लिए भी उपयोगी है और इसमें उस सातवीं कक्षा में भी यही इन्हीं अवयव पदों का प्रयोग किया जाता है। तो सातवीं और आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए यह पाठ उपयोगी है। आपको जो भी असाइनमेंट आपके ईआरपी में डाउनलोडेड है उसे आप हल करें और शीघ्र आप इसका हल करके मुझे भेजें। धन्यवाद।